तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरी जी आपका। ज्योति आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत ही धन्यवाद आपका इसलिए भी कि आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए आज फिर से, क्योंकि काफी समय बाद फिर से हम आपके साथ आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि हम जो प्रीवियस एपिसोड कर चुके हैं उसमें हमारे बहुत सारे दर्शकों ने डिमांड की थी कि इस बार जब डॉक्टर साहब आए तो हमारी स्किन को लेकर हमारे हेयर को लेकर कैसे अपनी ब्यूटी को मेंटेन करें इसके बारे में पूछेगा। तो सबसे पहला सवाल तो हम यही आपसे पूछना चाहेंगे कि स्किन को खूबसूरत हर किसी को बनाना है, करें कैसे? देखो ज्योति, सबकी किस्मत में ऐसा नहीं होता कि वो आपकी तरह जगमग करता रहे, है ना। लेकिन ये है कि स्किन जो है उसको डल कर लेना आज के युग में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है कि हम बाहर का खान पान लेना पड़ता है, मजबूरियां हैं, काम करते हैं बच्चे, जॉब करती हैं लड़कियां, लेडीज़, तो बाहर भी खाना पड़ता है। हमेशा ये नहीं हो सकता हम घर का ही खाएं, लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रख सकते हैं आप कि खाना चाहे आप जैसा भी खाते हो वो भगवान की मर्जी है। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब हर दाने को हम बंद तो कर नहीं सकते, हम तो बता ही सकते हैं। जैसे शराब वाले ने लिख रखा है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, बॉटल के ऊपर लिख रखा है, फिर भी लोग पीते हैं, वो उनकी मर्जी। लेकिन ये है कि अगर आपका खान पान ठीक नहीं हो रहा तो आप एक काम कीजिए, आप अगर जॉब करते हो कुछ भी करते हो तो एक तो बीट ग्रास जो पाउडर आता है, नोट कर लीजिए ये बात, आपको कोई वैद्य नहीं बताएगा जल्दी ऐसे ओपनली जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, घर पे कर सकते हो आप, कहीं जाके पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। आप वीट ग्रास लीजिए, उसका पाउडर लीजिए एक चम्मच, सुबह गरम गरम पानी में पी करके घर से निकलिए, बाहर अंदर जो भी खाना पीना हो गया उसमें वो आपको हेल्प करेगा उसको, उसके साइड इफेक्ट को ख़त्म करने में, क्योंकि इसके अंदर शक्ति होती है आपका एचबी लेवल बढ़ाने की, जो वीट ग्रास होता है। जब एचबी लेवल बढ़ेगा तो खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा तो खून में आपके रोग से लड़ने की शक्ति होती है तो वो बनेगी, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन अपने आप नेचुरल ग्लो करेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ नोट कर लीजिए, एक त्रिफला आता है, त्रिफला आता है 1:2 और 4 की रेशो का, 1:2 और 4 की जो रेशो का त्रिफला आता है उसमें हम डालते हैं कलौंजी, उसका हमने नाम दिया हुआ है त्रिफला अमृत, आपको वो गूगल पे जाके मिलेगा, हमारी जो वेबसाइट है www.vaidvan.com पे जाइए, त्रिफला मंगा लीजिए, आपका ज़्यादा नहीं 10-20 रुपए का एक दिन का खर्चा है, वो आप करेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक चम्मच आप रोज शाम को 5 बजे 6 बजे जब भी आप ऑफिस से घर वापस लौटते हैं उसको खा लीजिए और आप देखेंगे कि आपका पेट नहीं बढ़ रहा, आपका वजन भी मैनेज हो रहा है और आपकी सबसे बड़ी समस्या जो थी वो स्किन की वो ठीक हो रही है। बहुत लोगों की तो स्किन की चमड़ी की खारिश ठीक हो गई, जो लोग कहते थे शाम को जब कपड़े चेंज करते हैं ना तो एकदम शरीर पे नोचनी हो जाती है, खारिश हो जाती है, काटने को दिल करता है, ऐसे लोगों को भी त्रिफला पाउडर से बचाया गया है और साथ में जब उनको सुबह सुबह बीट ग्रास दिया गया खाने के लिए। तो ये तो स्किन की अंदर से पोषण है। अब रही बात बाहर की, जो कहे कि ज्योति जैसे चमक रही है वैसे हम भी चमकना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आप संपर्क कर सकते हैं। एक तो हमारा बनता है रूपांजलि सोप, एक बनता है रूपांजलि लोशन। जो रूपांजलि किट, आप सिर्फ क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे रूपांजलि, ओनली इतना लिखना है रूपांजलि, आपके पास वो पूरी किट खुल के आएगी और उसको अच्छे से पढ़ना, पढ़ के देखना कि ये आपके लिए बनी है, अगर बनी है तो ऑर्डर करके मंगा लेना। लेकिन मैं उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि उसको मंगाने से पहले आप क्या करेंगे, नींबू का रस, ये ना मैडम ध्यान से सुनने वाली बात है, नींबू का रस 1 चम्मच, गुलाब का जल 1 चम्मच और उसके साथ क्या होता है ग्लिसरीन 1 चम्मच, ये 3 चीज़ें। वीडियो आप गौर से सुनिएगा, रिकॉर्ड करके रखिएगा, पीछे बैक करके सुन लीजिएगा, फ़ोन इनके लिए ज़्यादा नहीं करने होते क्योंकि हम उठा ही नहीं पाते फ़ोन। और ये 3 चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैच करके पहले आप कच्चे दूध के साथ अपने फेस को वॉश कर लीजिए, कच्चा दूध लगाइए फेस को, वॉश कीजिए, एक बार करोगे तो कॉटन जो लगाओगे वो काला हो जाता है, दूसरी बार करोगे तुरंत 2 मिनट में तो वो कॉटन जो है पहले से कम काला होगा,
तीसरी बार वो काला ही नहीं होता, क्योंकि स्किन के अंदर जितनी मैल होती है वो बाहर खींच लेता है। दूध, ये दूध में ही क्वालिटी है, ऐसे नहीं कहते बुजुर्ग जब आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे नहीं कहते, उसका मतलब होता है कि दूध से नहाओ भाई, तो ताकि स्किन का पोषण रहे। तो वो क्या होता है, उसके बाद जब स्किन बिल्कुल साफ हो गई, फिर जो अपने बनाया गुलाब जल का ग्लैसरीन का लोशन जो बनाया अपने, बीच में वो डाला क्या नींबू, तो उसको आप फेस पे लगाइए। अब किसी किसी को नींबू लड़ता है, जलता है, वो लोग नींबू ना लगाएं तो अवॉइड करें, वो दो चीजें ही लगाएं। तो उसको लगा करके अच्छे से फेस पे जब ड्राई हो जाए तो पानी से वॉश करें, पानी से वॉश करके शीशे की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि कमाल हो गया, मतलब 40-50% एक बार में छाइयां चली जाती हैं। अच्छा। रात को फंक्शन है, फंक्शन पे जाना है, रात को कर लो और फंक्शन अटेंड हो जाएगा, सुबह फिर आ जाएंगी ये वापस। इनको बार बार करना होता है, लेकिन इसको अगर परमानेंटली आपने ठीक करना है तो उसके लिए अपनी जो कंपनी है उसका जाके रूपांजलि चेक कीजिए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। रूपांजलि फेस लोशन है, रूपांजलि फेस क्रीम है, रूपांजलि फेस का साबुन है, और रूपांजलि फेस के लिए ऑयल है। जो ऑयल है ना वो बहुत गजब ऑयल है। उस ऑयल को जब रब करते हैं ना फेस पे, तो वो उसमें एक तो खरमानी का तेल है, पंपकिन का तेल है, ये जो तेल है ना जी, और मुरिंगा का तेल है, और कुमकुम का तेल है, ये जो ऑयल है ना, ये फेस की स्किन को अंदर से भी पोषण करते हैं, बाहर से भी करते हैं। तो अभी तक जैसे आप मान के चलिए कि जितने भी लोगों ने इसको यूज किया है, आप कभी गूगल पे जाके लिखेंगे ना रूपांजलि, तो नीचे कमेंट पढ़ना लोगों के, कितने अच्छे दिए हुए हैं रिव्यू। तो वो ऐसे नहीं मिलते रिव्यू, अगर आपको फायदा होता है तभी आप लिखोगे, ऐसे तो कोई लिख नहीं सकता। तो ये चीज अगर देखोगे आपके फेस के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। बिल्कुल, कई सारे लोग गोयल साहब क्या होता है कि इतने मोटे मोटे दाने उनके चेहरे पे होते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, तो ये तो क्लीननेस की बात हो गई, क्या उन गड्ढों को भी फिल किया जा सकता है पहले जैसी नेचुरल स्किन में? वो ना स्कारिंग हो जाती है अंदर अंदर, मतलब छोटे छोटे गड्ढे अगर तो नॉर्मल होते हैं 10-15% है वो तो हो जाते हैं ठीक, उनके लिए जो हम ऑयल देते हैं वो सारे ठीक है। और लेकिन अगर ज्यादा स्कारिंग है, बहुत ज्यादा खड्डे हैं, तो वो नहीं हो सकते, उनका ठीक होना मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि हमारे एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे ज्यादा बड़ी तो किसी के पास सिस्टम नहीं होगा उनको ठीक करने का, तो नहीं होते। लेकिन जो नॉर्मली होते हैं 10-5% स्किन होती है खराब, वो ठीक हो जाती है। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको लेप करने, अब हमारा साबुन है उबटन सोप है, जो उबटन सोप है, जैसे गर्दन काली हो जाती है, यहाँ से गर्दन काली हो गई, गर्दन पे मैल जम गई, पैरों की एडियों पे मैल जम गई, शरीर के कहीं भी जाके डेड स्किन जम जाती है, उसको खत्म कर देती है अगर वो आप प्रॉपर मलते हो। हेड और स्किन के लिए सबसे बेहतर चीज है, डैंड्रफ तक खत्म कर देती है। ये पढ़िए, आपको बताऊं इसमें बताऊं क्या क्या है, जो चीजें हैं नेचुरल है। ये रूपांजलि सोप है और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्पेशली कि ये त्वचा को खुजली, खुश्की व डैंड्रफ मुक्त बनाकर चमकदार बनाती है। ये कैसे बनाती है, इसका एक मतलब है, ऐसे थोड़ी है कि किसी भी साबुन पे गोल्ड लिख दोगे उसमें सोना आ गया, ऐसे नहीं होता। इसमें क्या क्या डला है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसमें डला है मोरिंगा का पाउडर, सुना होगा आपने मोरिंगा सहजना का पाउडर, फिर इसमें बादाम का पाउडर डला है, फिर इसके अंदर मुलट्ठी का पाउडर डला है, फिर इसके अंदर डला हुआ है कश्मीरी केसर प्योर, फिर इसके अंदर डला हुआ चंदन का पाउडर, फिर इसके अंदर डला हुआ संतरे का छिलका, फिर इसके अंदर डला हुआ है रेंड का तेल, नारियल का तेल, मोरिंगा का तेल। ये सबसे कॉस्टली चीजें हैं और साबुन की कीमत है 495 रुपए, 500 रुपए का साबुन है ये। मतलब ये जो लोग हमारे आते हैं ना केंद्र पे, उनको दिया जाता है, हमारे जब गूगल पे जाओगे तो इसका कभी कभी ऑफर चलता रहता है कि 4+1, कभी कभी ज्यादा भी होता है, तो वो ऑफर का जो फायदा लेते हैं वो ले लेते हैं। लेकिन ये इस पे ऑफर बहुत रेयर देते हैं हम, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली चीजें हैं और इनका जो फायदा मिलता है, ये साबुन आपका रोज फेशियल करेगा, ये वो नहीं है कि आप एक दिन लगाया खत्म, कई के दिन खत्म नहीं होता। तो ये जो साबुन है ये आपके फेस को, स्किन को, हर चीज को
फायदा देता है मैडम जी। और जो ऑयल मैंने बताया था आज अवेलेबल नहीं है, नहीं मैं आपको दिखा देता, वो इतनी इतनी छोटी छोटी सी बॉटलें हैं और कमाल करती है।